और एक है आगे। जैसे जैसे आवाज बढ़ते जा रही है कुछ हो रहा है अंदर। इमेजिन दिख भी नहीं रहा है वो पॉइंट। केम ऑल द वे डाउन 100 से 150 फुट 200 फुट क्लोज टू 200 फुट वी डिसेंडेड डाउन। हालत तो देखिए क्या हो रखी है। आई कांट प्रोसेस व्हाट आई एम सेइंग सो आई नीड सम टाइम ऑफ कैमरा। दिस वॉज द टाइम व्हेन वी ऑल थ्री वर कंटेम्प्लेटिंग कि आगे चला जाए कि नहीं चला जाए। फ्रैंकली दिस वॉज द सेकेंड टाइम अटेंडिंग सातरम एंड आई डिडंट हैव अ प्लान बी इन माई हेड। इट वॉज जस्ट वन वे सो वी गैदर आवर सेल्व्स एंड गॉट बैक ऑन द ट्रैक। क्लासिक मूवी सीन हो रहा है। पत्थर फेंका। Knowing the fact that we were in a no man's land, danger could have many forms. So this was a sign for all three of us to be a little aware of our surroundings and act responsibly moving forward. Jaya jaya na jaya jaya. It's 3 o'clock. 1 baje start kiye the. Pretty sure 1 ghanta lagega jaane mein wapas. And thing with kids is, I don't know if they're lying or they're saying the truth. I just don't want to go back empty-handed. That's all. कैसे जाना होगा? God, shit! Man versus wild हो गया। अभी तो प्लान इज पानी के बगल बगल में जाएंगे एंड हमारे पीयूष गाइड साहब बोल रहे हैं कि इफ़ वी वॉक फास्ट तब हम जल्दी पहुँचेंगे 1 घंटा में फॉल्स। 2 घंटे हो चुके हैं अपेरेंटली 1.5 hours to 2 hours लगना चाहिए बट वी क्रॉस्ड आवर लिमिट्स सो आई एम गोना कीप द कैमरा इनसाइड एंड थोड़ा पेस लाएंगे ना हाइक। दिस बिट वॉज द मोस्ट स्केचिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर क्रॉसिंग्स बिकॉज वी वर डीप क्लोज टू लाइक 3 feet ऑफ गशिंग वाटर एंड नॉट टू फॉरगेट I had a camera bag weighing close to like 12 kgs or so. And another fun fact, these kids had no idea where they were heading. Very bad, bacha. And they didn't care to mention it because I might lose my shit, obviously. But they were trying hard to get our way back to the lost trail. शेर की तरह आगे भी काटे हैं। हां फक हम फक्ड पांव में चिपक गए बैग फट रहा है हाथ चुभ रहा है। ओ शिट हां चढ़ा खत्म हो गया ना फिर अपन भागने का फिर आवाज आएगी। अच्छा फिर हम पहुंच गए। अच्छा आप देख के ना पागल हो जाएंगे। हां इतना सुंदर है पानी इसको पानी चाहिए ना। हां घुस गए लाइक देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड। ढूंढ लिया रास्ता। सो ये रास्ता मिलता हमें अगर वो लैंडस्लाइड नहीं हुआ होता तो। आई कांट स्पीक बहुत ज़्यादा थक गया। कितना दूर और? अभी 10 मिनट बस। 10 मिनट लेट्स गो। कहाँ जाए? हमारा लक बहुत अच्छा था बारिश हुई नहीं आज or else I can't imagine stepping on these trails without slipping up close to 100 times. तो लोगों को गाइड लेना चाहिए बोल रहे हो? नहीं लेते हैं लोग गाइड। So that's another learning. भाई now I can vouch अकेला आता तो कोई चांस ही नहीं है। अकेला आता तो पहुँचता ही नहीं। ट्रू नहीं पहुँच पाता।
हेल्प द लोकल कम्युनिटीज़। और मैं राकेश भाई का नंबर आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर एवरीवन टू रीच आउट। सो इफ यू आर हेडिंग टू आओ, सो इफ यू आर हेडिंग टू सातरम वाटरफॉल, इफ यू हेडिंग टू सातरम वाटरफॉल देन डू कॉल हिम अप वंस, रेफरेंस देना भाई का एंड इज गोइंग टू टेक यू। जैसे जैसे आवाज़ बढ़ते जा रही है कुछ हो रहा है अंदर से, सुनाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। ओहो Obviously, this wasn't the main falls, which at that time I didn't know either. But when you ask for one and get two in return, frankly, it feels good. Kind of like a bonus. Just like every trip, the last section before your destination is the most trickiest of all. Excitement is at its peak and one tends to lose patience. So at times like these, one needs to hold their calm, and especially when you are in the given surroundings that can get out of your hand. बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं यार, जंगल में अंधेरा जल्दी होता है, दैट्स व्हाई। सो लाइट डिम डिम होती जाएगी, दैट्स व्हाई वी नीड टू मूव अ लिटिल फास्ट। मेन झरना बाकी है, व्हिच आई थिंक इज राइट एट द कॉर्नर। सुपर एक्साइटेड, जिसके लिए वी ट्रेड क्लोज टू फोर आवर्स। किधर गॉड, हाँ नहीं आ रही आवाज़, आ रही है आवाज़, आ रही है नहीं आ रही। हाँ या Finally did it. As the saying goes, the more difficult it is to reach your destination, the more you'll remember the journey. And I can say by far this was the most rewarding destination I've ever been to. And to be able to experience this firsthand fills me with utter joy and gratitude. To really process the magnitude of this place. जाने का वक्त आ गया, because जंगल में as you know शाम जल्दी ढलती है and it's getting dark and close to 2 hours back home. But this is the last sight of Satram. I'm in love. इतनी मेहनत लगी पहुँचने के लिए, इतना time लगा, but so worth it. This place is magical. Look at the greens. मतलब क्या चल रहा है, टपक रहा है, हरियाली टपक रही है, मतलब I'll see you soon. Yeah. वो ड्रामेटिक हो गया सीन।
but kids are running. भाग रहे हो? Okay, that's it for today's vlog. बहुत ज़्यादा थक गया हूँ. Finally reached Satharam, the village, जहाँ से start किया था. Currently it's 7:15. We started at 1 o'clock. तो भाई close to 6 hours 15 minutes. My goodness. जाने में बहुत time लगा because we got stuck due to that landslide on the way. और these kids. मतलब what enthu, what spirit. I mean, I'm inspired by them. Again, thank you so much for joining. मैं बस खो गया अपनी बातों में बोल बोल के. Thank you so much for joining. As always, you guys are amazing. Love you and hopefully I'll see you soon. But wait, before we close this, I just want to bring in पीयूष एंड मानो. पीयूष हाँ, आ जा आ जा. अरे आना मनु, आना. हाँ, खाली हाय बोल देना. दिस इज मनु डार्लिंग. ये हमारे छोटे उस्ताद. आग लगा दिया. पीयूष आना. ये हमारे पीयूष भाई, दे आर लाइक फायर टुडे. मतलब इफ यू आर गोइंग टू सातरम देन स्टॉप एट दिस पॉइंट एंड डू आस्क फॉर देम. एंड इफ दे आर फ्री देन लिटरली I can give you in return. They are the best guide. इनकी जो spirit है क्या ही बताऊँ. हाँ, मज़ा आया. मज़ा आया तुमको? हाँ, मज़ा आया. हाँ, आने का इधर तो किसको पूछने का? पीयूष को पूछने का. हाँ, तुम लेके जाएगा सबको? हाँ, पक्का. मनु तुम भी जाएगा? हाँ. मनु आज क्या डर लगा, मज़ा आया, कैसा था? डर भी लगा और मज़ा भी आया. हाँ, दोनों आया. सीरियसली मुझे भी बहुत डर लगा. बट सुपर ग्रेटफुल ऑफ दीज टू किड्स. आज इट वॉज लाइक किड्स डे आउट. बिफोर क्लोजिंग आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन दिस इज गाय कॉल्ड राकेश भैया एंड आई ड्रॉप हिज मोबाइल नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. वन एवर यू गाइज हैव टू विजिट सातरम, जस्ट गिव हिम अ कॉल बिफोर कमिंग बिकॉज आई डेंट हैव हिज नंबर और एनी कॉन्टैक्ट यू नो from the locals around this area. Isiliye it took me 2 times to visit that place and this will help cut short if bahut zyada barish ho rahi hogi or if there's a landslide or xyz reasons why this place could be shut. You can get that information from him and as well he can take you or any kids from this village. Yeah, okay, on that note, peace. Thank you so much for joining once again. Lots of love. See you guys soon.